क्लास में जो क्लास टीचर रहते थे, तो मान लीजिए अगर 5 पीरियड हो रहा है तो गारंटी 3 पीरियड मेरी क्लास से बाहर ही रहेगा। और इधर जो है जिया पपीता काटने में लगी है, जो आपको खाने को नहीं मिलेगा। हम तो खाएंगे, हम और डैडी खाएंगे और माँ। बहुत बढ़िया कार्टून, उसके बाद निपटते हैं हम। और उधर जो है दीदी डैडी जो है ब्लॉग देख रहे हैं। प्रचार आ रहा है बच्चों को, ये नीचे वाला। तब दीदी कैसा लगा वीडियो जितिया का? जितिया का वीडियो तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, अब जो देखने वाले हैं वो जितना पसंद करें उतना तुमको आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हमेशा रोटी तैयार रहता है घर में। अच्छा ये बता दो हमको, आप स्नान करोगे कि नहीं करोगे? हम जाते हैं पंडित जी के पास, हम मुहूर्त निकालेंगे कि मेरे पतिदेव कब स्नान करेंगे, आप मुहूर्त दीजिए। अरे जब खाना खाइए दिया तो स्नान के कैसे होते, आराम से स्नान करेंगे। खराब नहीं होगा, किसी दिन आप सुबह स्नान करते हो, कभी शाम में, एक बज चुका है, अभी कितना सीजन खराब चल रहा है, कभी बारिश कभी धूप। दवाई किस लिए है? देखो मेरा तबीयत खराब होगा, तुमको भी मौका मिलेगा सेवा करने का। हमरा नहीं चाहिए तो तुमको बस 5 मिनट रुको, 5 मिनट रुक जाते, काम कर दे दो ना। क्यों हटे, ये दिमाग खराब करेगी जी भगवान, 5 मिनट बस रुक जाओ, जितना देर किचकिच के 2 मिनट इसमें खराब होगा। हम तो खाली किचकिच करते हैं, आप तो कुछ करते ही नहीं। ये भगवान, हम कुछ बोले क्यों? मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। डैडी चले जाते हैं तो आपका मन जो है ना और बढ़ जाता है, सोचते हो कि पागल की तरह बकबक कर रही है। अच्छा तो मानती है कि पागल है, तुम्हारे चलते सब कुछ गड़बड़ हो गया इधर, तुम्हारे हल्ला करने के कारण अब हमको फिर से कुछ काम करना पड़ेगा। सच में तुम काम बढ़ा दिए मेरा, बच गया। या अगर मेरा काम खराब हुआ होता था तुमको बताते हो? क्या करते हो? बताते तुमको फिर? क्या करते? बस हम बता देते, बोलेंगे थोड़े। A few moments later. जी मैं अभी आया हुआ था प्रिंट निकलवाने के लिए, और अपना तो मोबाइल है वो घर में ही भूल गया। अब मोबाइल के बिना कैसे मैं अपना ईमेल फॉरवर्ड करूंगा जिसका प्रिंट निकलना था, और दूसरे के सिस्टम पर अपना अकाउंट लॉगिन करना वो मुझे सेफ नहीं लगता है। तो 5 मिनट का रास्ता है घर जाने का, तो घर जाते हैं फिर से लेकर के आते हैं, एक ही काम के लिए दो बार आना पड़ा। तो जी घर आए और मोबाइल लेकर के जा रहे हैं। भला है कि आप आ गए, नहीं तो आज रो देती जिया। इंतजार कर रही थी कब दीदी आएगी, कब दीदी आएगी, बस रोनी ही वाली थी कि आप आ गए। अभी अभी दीदी आई कुछ देर पहले, तो देखिए कि यहाँ पर हम लोग कुछ वीडियो सब बना रहे हैं, इंस्टाग्राम रील के लिए जी बनाते हैं। तो आप लोग जी इंस्टाग्राम पर जुड़िए, अगर थोड़ा सा इंटरटेनमेंट देखना चाहती हैं तो आप लोग देखिए इंस्टाग्राम पर जा करके। तो वो देखिए क्या कि ये लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, वो भी हॉल में बैठ के, वो भी हॉल में बैठ के, फ्रंट रूम में कभी आती नहीं है क्योंकि पापा बैठते हैं हमेशा। तो दीदी कहती है क्या चाचा कहाँ पर है? तो कहे कि वो नहीं है अभी, वो कोर्ट गए हुए हैं। तब कहती है अच्छा है, तो इसीलिए आप लोग का वीडियो बन रहा है। तो अभी देखिए, ये देखिए रिंग लाइट है उधर, और ये जो ट्राइपॉड और फोन है ये हमारे हाथ में है, इसी से हमारा शूट चल रहा था। और इधर जिया क्या कर रही है? रोटी सेक रहे हैं, डैडी आ गए हैं कोर्ट से, डैडी को नाश्ता देना है। बहुत बढ़िया, और मेरे लिए? A few moments later. अकेले खा रही है, थोड़ा सा हमको भी दे दो। नहीं झूठे हो आप, एक तो सारा निपटा गए, हम किचन में थे इधर सारा निपटा लिए, उसके बाद उसमें से भी मांग रहे हो आप। कितनी बदमाश पत्नी मिली है, खाने भी नहीं देती है। हाँ, उसे पता चला था आप कितने शैतान हो जिस दिन आपका फ्रेंड आया था। बहुत बढ़िया, तो जी आप लोग भी देखिए कितने शैतान है मेरे पतिदेव, और फिर बताना मैं शैतान हूँ या मेरे पतिदेव ज्यादा शैतान है। तो जी ये है हमारे दोस्त, यह बचपन के दोस्त थे हमारे, लगभग 8 क्लास तक हम लोग साथ ही पढ़े हुए हैं। तो यह कोविड का टाइम आया जो आज मिलने का मौका मिल गया, नहीं तो ऐसे हम लोग का मुलाकात होता था कितना, 2 साल 3 साल में एक बार मुलाकात होता था। और जब ये घर आया है तो बोल रहा है कि अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया यहाँ पर पूरा, ये इनके घर के छत पे हम लोग आके गप्पे मारते थे, खेला करते थे, खेलते थे वो खाली प्लॉट, ये बगल में फील्ड है, हम लोग क्रिकेट आके खेला करते थे। आज तो एक भी जगह न मिल सकता।
है खाली, बहुत कुछ बदल चुका है। और कभी सोच रहे हैं क्या जो अपना स्कूल था वहाँ जा करके कभी व्लॉग बनाते हैं वहाँ का? बिल्कुल, पूरा अपने स्कूल के गैंग को बिल्कुल आ जाएगा। तो उसमें से कुछ लोग सब तो हैं ही यहाँ पर कटिहार में भी, तो प्लानिंग बन सबको इकट्ठा करके एक व्लॉग बनाएंगे उसके ऊपर सोच रहे हैं। फेस्टिवल टाइम चलो दुर्गा पूजा आए, दुर्गा पूजा लग रहा है इस बार, मेला सब लगेगा, लग तो नहीं रहा है सर? नहीं अभी तो स्कूल भी तो बंद है ना कोविड के कारण, जब खुलेगा ईयर के लास्ट तक में या एक दो महीना के आसपास में भी शायद खुल जाए, गारंटी तो है। देखो क्या है क्या सीन, जब खुलेगा तो जाएगा बिल्कुल, एक बार तो जरूर करना है। वो हम सोच रहे हैं अपना जो भी मेमोरी है ये सारी मेमोरी को एक साथ इकट्ठा करके एक जगह रख ले, एक बार स्कूल गैंग को मिला जाएगा, पकड़ के लाया जाएगा सबको बिल्कुल। और बताओ मछली कैसा लगा? जबरदस्त क्या हुआ था जब तुम पूछा ना हमको फोन करके कि आ जाए, हम ठीक भाई बगले में कटी बुला लो, यहाँ पर मछली सभी बना हुआ है। हम सोचे कि भाई चलो भेंट कर लेते हैं, अच्छा बहुत दिन हो गया, लास्ट टाइम भी इस तरफ आया था तो क्या है कि ये शायद कहीं पीजी था, कहीं घर पे नहीं था, इसीलिए आज कन्फर्म कॉल कर लिया है कहाँ, बोला घर पे, बोला इधर आया तो बहुत दिन कोविड के कारण मिल ही नहीं पाया, रात से सोचा की आज मिल ही ले, सोचा था आज इनके मम्मी से भी भेंट करूंगा, महीना भर पहले ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो टाइल शॉप में मिली थी तो बातचीत उसी टाइम हुआ था, तो सोचा आके मिलूंगा उसे, वो आज आ जाएगी लेकिन अब वो शाम में आएगी अब फिर वो रहेगी एक दिन दो दिन फिर निकल जाएगी, तो कभी लंबे टाइम में आए। इनके मम्मी का अच्छा पड़ता है, अच्छा नहीं माँ जो है कहती भी है किसी बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बात करने से लगता है संस्कारी लड़का है, बचपन से है इनके मम्मी से थोड़ा सा लगाव है। अच्छा तो अब यहाँ ही गए हो तो अपने बारे में चलो पूछते हैं, कुछ बता दो इन सबको कि कैसा लड़का थे हम हाई स्कूल के टाइम में। अरे बाप रे मत बोलो, पूरा समझ लो कि स्कूल जो है ना और स्कूल के टीचर कौन, एक सिंगल टीचर ना जो इसको जानता नहीं, इसका स्कूल का नाम ही था बाबा। और हर एक क्लास में जो क्लास टीचर रहते थे तो मान लीजिए अगर पांच पीरियड हो रहा है तो गारंटी तीन पीरियड में ये क्लास से बाहर ही रहेगा। तो अभी आप लोगों के मन में अगर संशय आया होगा कि क्यों इसको जान रहे हैं, कहीं कोई टॉपर तो नहीं है, तो मैं क्यों जान रहे थे बता दिया इसने, सबसे पॉपुलर बंदा था ये भाई। आज भी ऐसा है कि अगर ये स्कूल जाएगा तो टीचर इसको जरूर से जरूर पहचान, तो उनके वो पढ़ाई को लेके नहीं, इनके बदमाशी को लेके टीचर पूरा परेशान रहते, लौंडा कौन है बंद भाई, एक तो सर जो नाम दिए तो सर बेचारे वो है नहीं चले गए, लेकिन इनको नाम एक देखे गए बाबा। इसका नाम है शिव है और हम लोग इसको भोलेनाथ बोलते थे, और सच में उस टाइम का याद आता है कई बार अभी भी, स्कूल टाइम था लेकिन। अरे स्कूल के दिन थे, अब वो ऐसा। अच्छा एक बार बताओ जब हम 8 से चले गए थे 9-10 में, हम दूसरे स्कूल में इधर हम आए मिले किसी से अपने हैप्पी होम के ही दोस्त सब से, कह रहे सुने कि स्कॉटिश में तो मार खाया है, क्लास के बाहर रहा है, ये सब फैला था ना कुछ सर उमर कहाँ से फैला पता नहीं, स्कूल में भी वहाँ भी फेमस था वहाँ भी हमारे सब दोस्त थे। अच्छा स्कॉटिश में कुछ दोस्त से बता रहा था क्या? वो भी बता रहे है शाश्वत नाम का लड़का है, बोला अरे वो तो हमारे स्कूल का है, वो तो अभी ना गया है उधर, उसके बारे में है तो हैप्पी होम में पूछ लीजिए इस शाश्वत नाम को कौन आदमी था। पुराने भी इतने टीचर होंगे, अभी तो हमारे इतने टीचर थे हैप्पी होम के स्कूल के, मैक्सिमम रिटायर ही कर गए हैं, लेकिन आज भी उनके घर जाएंगे तो जरूर पहचान। एक बार सोचते हैं पुराने टीचर से भी कभी हो तो करते हैं मुलाकात फिर, और हो सकता है कि कोई टीचर हमारे इस ब्लॉग को देख रहे हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा, तो मुलाकात करना है एक बार आपसे। तो जी बताइए कैसा लगा यह वीडियो? तो जी आप लोगों ने देख लिया कितने शैतान है मेरे पति देव, हमेशा मुझे ताना देते रहते हैं कि तुम कितनी शैतान है, आज आप लोग देख लीजिए बहुत बढ़िया है, पढ़ाई कम क्लास से बाहर ज्यादा रहते, जिस दिन तुम्हारी कोई दोस्त आई ना उसका जरूर वीडियो बनाएंगे हम। हम कभी क्लास से बाहर नहीं रहते थे, क्लास से बाहर नहीं रहते थे इसका मतलब शैतान नहीं हुई तब क्या। तो जी बताइए कैसा लगा आपको यह वीडियो, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब
सब्सक्राइब, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि हमारा वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले। तो मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।